चलिए बताइए, आवाज आ रही है, जल्दी बताइए। सारे लोग ध्यान दें, आपस में बात ना करें प्लीज, आपस में बात ना करें, सारे लोग ध्यान दें। तो देखिए, हम लोग पिछली क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या लेना देना है वो आपको पढ़ाया गया। यहां देखें, जो आपस में बात करेंगे मैं रिमूव कर दूंगा, प्लीज आपस में बात ना करें, इसलिए डाउट रहता है। और ये खदीजा को खास का डाउट रहता है, ये वाला समझा दीजिए, आपस में बात बंद करें। पर यहां देखिए सारे लोग प्लीज, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में का इंट्रोड्यूस के लिए वी के सिर्फ याद रखिए, मैं आपको साइन में लिख देता हूं, सारे लोग सुनिए। पिछला लेक्चर डाल दिया गया था ग्रुप पे, याद रखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में बी के सिर्फ यहाँ के ए और सी अल्फा है, के ए और की बात होगी, और सी अल्फा वीक बेस में भी के बी और सी अल्फा मैंने बताया था आपको, याद आया कि नहीं? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा फ्रॉम सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। एच प्लस की कंसंट्रेशन बी के सिर में सी अल्फा लेते हैं, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये भी सी अल्फा स्क्वायर, और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन सी अल्फा लेते हैं। दूसरा आज इंट्रोडक्शन होगा, तीन चार क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इंटायरली डिफरेंट टॉपिक होगा, जिनका छूट भी गया उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए प्लीज तीन चार न्यूमेरिकल के बाद और सुने। दूसरा इसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, याद करो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मैंने 12th में भी पढ़ाया था, मोलारिटी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी से भी नोट करते हैं, याद करो पहला दिन के लेक्चर में मोलारिटी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देकर मोलारिटी वगैरह। तो देखो पहली बात और से सुनो, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लिखने का तरीका ही होता है कि आप उसको आयंस में ब्रेक कीजिए और Ksp इज इक्वल टू उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लीजिए, ये है Ksp। याद रखिए अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस करके आपको ईएमएफ वगैरह कहेगा, पिछले क्लास में मैंने आपको इसी पर क्वेश्चंस कराया था, समझा? आज हम तीन चार क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद टॉपिक खत्म होगा, और ये वाला पार्ट जो है आयनिक वाला खत्म, समझा कि नहीं? कौन से सुने, जिनका छूट गया है वो एकदम आप कल परसों संडे एकदम लगातार है, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स सेकंड पार्ट भी शुरू होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा आज और कल वाले आधा घंटा की क्लास में। कल आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देख कर आएंगे, 8:45 में क्लास शुरू होगी, समझा? 9:10 में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो ये आपका सैटरडे संडे का शेड्यूल है, आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज
रिलेटिव एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब को देख करेंगे। चलिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर वन लिखिए। SRP of Cu plus 2 Cu is 0.34 volt. समझ बात आ रही है ना? आपको ये दिया हुआ है। Calculate the reduction potential. Calculate the reduction potential of Cu plus 2. At pH is equal to 10. If Ksp for CuOH2 is 10 to the power, मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान देंगे, आप घबराए नहीं, मैं खुद करूंगा। इसमें आपको pH 14 कर दीजिए। ये ऑप्शन है -0.2 वोल्ट, बी ऑप्शन है 0.2 वोल्ट, सी ऑप्शन है 0.59 वोल्ट, डी ऑप्शन है -0.59। पहले क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको कराता हूँ। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। अभी तीन चार न्यूमेरिकल के बाद इंटायरली डिफरेंट टॉपिक आएगा। सारे लोग लिख लिया? अरे शाहिद आए हैं, शाहिद, अच्छा तूबा भी आई है, माशाल्लाह, वेरी गुड, लिख लिया, ओके। ये पीएच, आप पीएच 14 लिख दीजिएगा। देखिए मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चंस कहे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल कहा है Cu प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हुआ, तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं? E Cu प्लस 2 Cu, सारे लोग देखे, E नॉट Cu प्लस 2 Cu, -0.059 बाई 2 log Q, Q का मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। सारे लोग ध्यान दें, जब भी क्वेश्चन ना बने पहला काम इस तरह लिख लीजिए। आपको ये दिया हुआ, हमें Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन मालूम नहीं है। अब Cu प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है, सारे लोग ध्यान दें, Cu प्लस 2 की जो कंसंट्रेशन है वो हम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच की मदद से निकालेंगे। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे आपको अंदाजा नहीं होगा कि हमें क्या निकालना है। तो देखिए पीएच इज इक्वल टू 14, तो एच प्लस की कंसंट्रेशन 10 to the power 14, तो बताइए OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिछले क्लास में ये पढ़ाया था आपको, 10 to the power -14 by 10 to the power -14, 1। ये आपको आया, पहले यहां तक लिखिए सारे लोग, पहले यहां तक लिखिए सारे लोग। अब देखिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट CuOH2 को ब्रेक करेंगे Cu प्लस 2 2OH माइनस, सारे लोग ध्यान दें, ये S है, ये 2S है, Ksp इज इक्वल टू Cu प्लस 2 और OH माइनस का होल स्क्वायर पढ़ाया था। अब ध्यान दें, Ksp मालूम है,
OH माइनस की कंसंट्रेशन मालूम है, CU प्लस टू की कंसंट्रेशन निकल जाए, -19। और S2S लिखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, CU प्लस टू वन का पूल स्क्वायर, तो CU प्लस टू आपके पास आ गया 10 to the power -19। तो देखिए मकसद क्या था, pH और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर आप बेसिक जानते हैं तो आपको टफ नहीं लगेगा। ये माइंड मेकअप कर लें कि नेक्स्ट इक्वेशन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये टीचर का मेन टॉपिक है कि वो KSP, KA, KB वगैरह देकर EMF वगैरह कहेगा। बताइए यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों को समझ में आया? अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ 0.34 0.592 log 10 to the power -19 0.34 log 10 to the power 19 आपके पास -0.0592 इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर आएगा। आपके पास आंसर आएगा, सॉल्व करेंगे ये ऑप्शन आपका आंसर। बोलिए आया सबको समझ में? बोलिए गवाही दीजिए आया कि नहीं आया। बस एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं और सारे लोग को समझ में आएगा, वहां से फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने पिछले क्लास से लेकर आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहले सारे लोग बताओ कंसंट्रेशन सेल है कि गैल्वेनिक सेल है? कंसंट्रेशन सेल है कि गैल्वेनिक सेल है, जल्दी बताइए। हाँ एजी एजी प्लस एजी एजी, हाँ वेरी गुड, सारे लोग ध्यान दें, मैं खुद करूंगा, सारे लोग ध्यान दें, KSP की मदद से आप कैसे निकालेंगे प्लीज ध्यान दें।
देखिए जब भी क्वेश्चन ना बने आप पहले इक्वेशन लिखिए, उस सोचिए ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखिए, 0.8 जी प्लस ए जी एन की वैल्यू तो वन ही है, लॉग क्या पर आया था ए जी प्लस कैथोड डिवाइडेड बाई ए जी प्लस एनो। जब आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा तो आपको कोई टफ नहीं, पहले आप लिखिए। अब हमें ए जी प्लस कैथोड निकालना है, दिया हुआ नहीं है, केस भी दिया हुआ है, बस उसी से निकलेगा। तो और से सुनिए अच्छे से, ए जी सी एल है, ए जी प्लस सी एल माइनस, प्लीज देखिए। तो केस पी इज इक्वल टू आपको मालूम है ए जी प्लस और सी एल माइनस, आपको मालूम है ना एस एस लेते हैं तो क्या हो जाएगा, केस पी इज इक्वल टू ए जी प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, एस इन टू एस बराबर ही है दोनों। तो यहां से ए जी प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा, के एस पी अंडर रूट 10 माइनस 10 ए जी प्लस, ए जी सी एल क्या है कैथोड, कैथोड का आ गया 10 टू द पावर माइनस। चलिए लिखिए सारे लोग जल्दी से। अच्छा सॉरी सॉरी, यहां देखिए एक मिनट, गलत गलत गलत, यहाँ बराबर नहीं ले सकते। यहां देखिए Cl का दिए हुआ है, देखिए यहाँ 0.1 KCl is the strong electrolyte, sorry for that, 10 to the power minus 10 Ag plus मालूम नहीं, Cl minus 0.1 दिया हुआ है, क्यों? KCl is the strong electrolyte, तो जो compound की concentration होगी वही ions की होगी, okay? जब वो ना दिया रहा था तो हम Ag plus का whole square ले रहे थे। अब देखिए Ag प्लस की कैथोड जो आएगा 10 टू द पावर माइनस 9, बताइए समझ में आया ये वाला, सच सच बोलिए 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 बोलिए, सबको आया? नगमा फिर रेगुलर नहीं रहती है, नगमा कौन है, नगमा रिस्पॉन्स करें, पिछले क्लास में भी नहीं आई, ये आप एक क्लास करती हैं अगली क्लास में नहीं आती हैं। नगमा प्लीज रेस्पॉन्स, आप पहले एकदम रेगुलर थी, आप एकदम क्लास छोड़ छोड़ के आती हैं, फिर बाद में होगा कि हमको समझ में नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्लास रेगुलर करना चाहिए। हाँ चलिए, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कल वाला लेक्चर भेज दिया गया था, फिर भी आप शुरू में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं आई थी, सब लोग रेगुलर रहे भाई। देव समाज वाली आयशा आई है, तो देव एक आयशा है जो देव समाज में पढ़ती है, आई है, ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब आइए सारे लोग, तो जब आप माइंड में रहेगा तो आपको आसान लगेगा। अब इसके बाद सारा टॉपिक आपको एकदम इंडिपेंडेंट टॉपिक आएगा, दूबा बहुत दिनों के बाद आई है, मैटर डे की है, बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, अल्लाह करे वो इसी तरह रेगुलर रहे, सब लोग उनके लिए दुआ करें। KSP टू AG प्लस और BR माइनस, KSP आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 12 Ag प्लस Br माइनस 0.1, यहाँ Ag प्लस एनोड आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11, देख लीजिए सारे लोग। अब ये वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, देखो जब नियत के साथ करोगे, ये माइंड मेकअप रहना चाहिए कि भाई आयनिक इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन, Ka Kb सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, बोलो मिटा दूं इसको, बोलिए बोलिए। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ईसन इज इक्वल टू 0.059 log Ag plus cathode minus 9
-11 0.059 log 10 to the power 2. बताइए 2 × 0.059 सारे लोग बताइए 0.118 वोल्ट आया सबको समझ में? तो देखिए ये आपको अब देखिए जैसे ये चैप्टर एंड होगा ये तो मैंने आपको पूरा करा दिया, फिर भी अब जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। जैसे मैं अभी आपका प्रैक्टिस सॉल्यूशन चैप्टर का करा है तो मैं क्लास के अंदर एक तो बहुत कराता हूँ, फिर भी और बच्चों को और अच्छे से आए डाउट ना रहे, बस आप इस बीच में आयनिक इक्विलिब्रियम की बेसिक फंडे को समझ लीजिए कि वीक एसिड वीक बेस रहे तो H प्लस की क्या कंसंट्रेशन होती है, के डब्ल्यू क्या है, के ए क्या है, के बी क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पीएच, ये सब इस बीच में पढ़ के रखिए और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। अभी इतना करा दिया गया कि आपसे हर क्वेश्चन होगा, फिर भी चलिए अब हम इंटायरली डिफरेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक थ्योरी है गौर से सुनिए, बेसिक फंडा है गौर से सुनिए। टॉपिक डालिए स्टैंडर्ड, इसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE SHE। चलिए पहले 2 मिनट अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, सारे लोग ध्यान दें, आपको सबको मालूम है कि EMF के लिए 2 हाफ सेल चाहिए। EMF के लिए 2 हाफ सेल होना जरूरी है, सिंगल हाफ सेल की EMF नहीं निकाली जा सकती। पॉइंट टू बी नोटेड, और से सुने, EMF निकालने के लिए 2 हाफ सेल का होना जरूरी है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉर सिंगल हाफ सेल। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा तो सर ये वैल्यू फिर कैसे लिखी रहती है, इसकी वैल्यू जो आती है कैसे आई होगी, ये तो सिंपल है। याद करिए जैसे आप 11th में पढ़ा था, जब आप 11th में कि तमाम एलिमेंट का एटॉमिक मास किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, C2, उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको मान लीजिए ये कॉपर है तो हम इसका EMF नहीं निकाल सकते, इसके अपोजिट में एक रेफरेंस एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, उसी को कहते हैं SHE। जो भी ये वैल्यू आप लिखते हैं कि किसी का पॉजिटिव में है किसी का नेगेटिव में है, ये कैसे आई होगी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है, ऐसे समझिए एक SHE ले लिया गया होगा और दूसरा मान लो कॉपर। अब बताओ EMF निकलेगा कि नहीं, एक में हाइड्रोजन हो गया एक में कॉपर, अब जो रीडिंग गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी, हाँ, और आपको मालूम है ना, आपको मैंने लिखा था ना SHE की वैल्यू 0 वोल्ट, चाहे H प्लस H2 हो SRP हो चाहे इसका SOP हो 0 लिया जाता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो दूसरे की होगी, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, इसको 0 मान के निकाला जाता है। तो 0 के अलावा जो डिफ्लेक्शन होगा तो ये आपका होगा प्रोसेस में। तो एक बात समझना अच्छे से, अब ये ऐसे भी हो सकता है किसी में ये लेफ्ट साइड हो सकता है, मान लिया ये ऐसा है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो इधर SHE होगा, SHE कैथोड और एनोड दोनों की तरह, वो डिपेंड करेगा, अगर आपको डाटा नहीं मालूम है आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, करंट की डायरेक्शन इस बात को बता देगा कि SHE एनोड है या कैथोड। तो गौर से सुनिए, इतना लेक्चर का मतलब क्या हुआ गौर से सुनिए, कोई भी कहे एक लाइन में व्हाट इज द SHE,
तो कहेंगे द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट विच, चाहे यहां द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनादर हाफ सेल इज कैलकुलेटेड, इज कॉल्ड एसएचई। अभी कैसे बनाया जाता सब अभी पढ़ाएंगे आपको। तो सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो एक्सप्लेन करके आपको लिखाया जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट ईएमएफ फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रोड। क्लियर है कि नहीं? तो यहां देखें, ये गधा सबको मैंने बारह कहा है कि लेक्चर के दरमियान क्वेश्चन नहीं पूछो। मैं लेक्चर के बाद टाइम देता हूँ यार, एक एक बच्चों से पूछता रहता हूँ, समझ में आया आगे बढ़ू। ये जैद वगैरह सब जो इतना पागल लड़का सब है, उसको टाइप करने में ही टाइम लग जाता होगा, वो लेक्चर को क्या सुनेगा। अरे पूरी बात हुई नहीं है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है गधा, जानवर गधा। एक जरा तमीज नहीं है बच्चों लोगों को। टीचर डाउट देगा, हम तो खुद जब पढ़ा लेते हैं तो हम खुद पूछते रहते हैं कि भाई आगे बढ़े, फलाना आगे बढ़े, एक एक का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। अभी टीचर पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है, रियल और इमेजिनरी करने लगता है। यही बोलिएगा तो कहेंगे कि विशाल सर डांट देते हैं। यहां देखें सारे लोग, टीचर पढ़ा रहा है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। अभी टीचर पूरी बात समझाया नहीं, हाँ ये क्या है, जीरो क्यों होता है, फलाना क्यों होता है, गधा कहेगा। और से सुने पहले बताइए सारे लोग, पागल बना रखा है। पढ़ाई तरीके से करो, तरीके से भाई। जब मैं पढ़ाता हूँ एक एक से पूछता हूँ। चलिए पहला काम लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा, फिर मैं डाउट लूंगा। पहले लिखिए एक लाइन, द रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगेंस्ट विच, आदत से मजबूर है कुछ लोग, अगेंस्ट विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनादर हाफ सेल इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड एस एच ई। ये एक लाइन में आंसर हुआ। कोई कहे क्यों जरूरत पड़ी, और से सुनिए, इट इज इम्पॉसिबल। अब मैंने सोच लिया जब मैं किसी को कुछ बोलूंगा ही नहीं, तू डाउट पूछता रहा, मैं नेगलेक्ट ही करता रहूंगा, मैं पागल अपना दिमाग खपाता हूं, अब तू लिखता रहा कुछ भी लिखता रहा, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, पढ़ना पढ़ोगे कहना जाओ। It is impossible to determine absolute EMF for single electrode. पहले लिखिए फिर मैं डाउट पूछूंगा। For single electrode, it is impossible to determine absolute EMF for single electrode. कैसे होगा? Then it is done by
देखो गौर से सुनो, आपने न्यूमेरिकल में भी किया था ना, E प्लस एस टू का वोल्ट कितना लेते थे सारे लोग, बोलो बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हुआ चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन हो, हाइड्रोजन का जीरो अज्यूम किया ही जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई। तो और से सुनो दोबारा, कि कोई भी पूछे कॉपर की वैल्यू कैसे आई, एक तो तुम कहना भाई एक्सपेरिमेंटली आए, तो कैसे आई होगी, सिंगल है, ईएमएफ के लिए दो हाफ सेल होना चाहिए, तो आप यही कहिए हाँ दो हाफ सेल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, हम उसको एक हाफ सेल मान लेते हैं और उसके अगेंस्ट में हम एसएचजी को डालते हैं, फिर वायर कर वायर एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट करते हैं, देन करंट की मूवमेंट गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आती है वो मेटल या नॉन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि जीरो वोल्ट मान के ही बताया जाता है, क्योंकि इस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बनाई जाती है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही बनाई जाती है। बोलिए सबको समझ में आया, ये लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। बोलो अब यहां से यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं इसका डायग्राम वगैरह बनाऊंगा। अब किसी को डाउट है, जिन्होंने पूरा लाइन लंबा चौड़ा लिखा था वो दोबारा लिखें, जिन्होंने डाउट पूछा था वो आप पूछें जल्दी से, अब ना ना पूछेंगे, पूछिए पूछिए बाबू, शर्माइए मत, अब बाबू है भी, दिखने में बउआ है, एकदम बउआ है वो जो पूछा था, मैं नाम नहीं बोलूंगा। नहीं भाई स्टार्टिंग वाला यही है जाहिर, कि हम ऐसे तमाम मेटल का जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जरूरी है, अरे बात नहीं करो यहाँ देखे जैसे मैंने मिसाल दी, गौर से सुनिए अच्छे से, एक लाइन में आंसर क्या बोलेंगे वो आपको होगा। जैसे एग्जांपल है, आपके पास एसएचजी है, एक ये हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है, यहाँ पर एसएचजी एनोड है, मेटल कैथोड है, एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है मेटल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसकी पॉजिटिव रहेगी एसएचजी। देखिए बनाते कैसे हैं, तो और से सुनो, इस पर एक फंडा भी आएगा, और से सुनो, यहां से हाइड्रोजन गैस इस पास एट 180 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, जल्दी बनाना शुरू करो, ये जो है प्लैटिनम वायर लेते हैं और ये जो यहां पर गैस आकर जमा हो जाता है और ये क्या होता है प्लैटिनम फॉइल। प्लैटिनम क्यों लेते हैं वो लिख पाएंगे, कोई क्वेश्चन मत पूछना भाई, प्लैटिनम क्यों लेते हैं अभी मैं लिखवाऊंगा, और सॉल्यूशन में डालते हैं, हाँ तू प्लैट बोलता रहा पागल, क्या सब्जी खरीद, सब्जी खरीद, तू प्लैटिनम क्या खरीदेगा, तू सब्जी जाके खरीद, 1M एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग H+, ये इस तरह का रहता है। ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन आपको हो सकता है प्लैटिनम का फंक्शन पूछ दे, बताइए सवाल यहाँ शमीम, ओनली फातिमा, ओनली सवाल यहाँ,
अस्का मसी अबीर नकवी ऑल देव समाज ऑल जामिया ऑल नॉन अटेंडिंग सबको समझ में आ गया भाई। नगमा बेचारी को अल्लाह मालूम। तूबा मैटर डी की जो तूबा है वो थोड़ा सा सब्र करें। मैटर डी वाली तूबा थोड़ा सा सब्र करें और क्लास रेगुलर करती रहें। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। अब देखिए फंक्शन ऑफ पैलेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड। तुम इसलिए देखते हो एट एनोड पर, तुम कंसंट्रेशन सेल में देखे थे प्लैटिनम H2H+ इस तरह लिखा रहता था। बोलो बोलो प्लैटिनम लिखा रहता था, याद करो न्यूमेरिकल में कैथोड पर H+। अरे बोलो ना, और H2 प्लैटिनम हर जगह लिखा जाएगा। मैं कंक्लूजन लिखूंगा प्लैटिनम कहां कहां लेते हैं। अब सुनो अच्छे से सारे लोग गौर से सुनो। प्लैटिनम लेने की वजह ये है कि अभी जस्ट आप पढ़िएगा प्लैटिनम। मान लीजिए कि ये जो फॉइल आपने लिया, गौर से सुनो अच्छे से, खासकर सवालिहा शमीम उनको डाउट रहता है प्लीज। सवालिहा शमीम देखिए बेचारी को बहुत डाउट रहता है। यहाँ देखिए गैस यहाँ जमा है। अगर ये रिएक्टिव मेटल होगा, अगर रिएक्टिव तो जानते हैं वो H2 के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बना लेगा। तो प्लैटिनम प्रोवाइड सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। तो सर सिर्फ प्लैटिनम के अलावा और लेंगे तो वो हो सकता है रिएक्टिव मेटल तो ले ही नहीं सकते पहली बात, क्योंकि वो खुद कंपाउंड बना देगा। प्लैटिनम इज इनर्ट मैटर, नोबल मैटर। प्लैटिनम का काम है सरफेस प्रोवाइड करना। अब देखिए प्लैटिनम गोल्ड सब नोबल है, लेकिन ये भी देखा जाएगा इजीली अवेलेबल कौन है, इकोनॉमिकली कौन है, पैसे की भी बात होगी। समझ में बात आ रही है कि नहीं? इसलिए हाँ, तो हर चीज को देखा लिया जाता है। तो गौर से सुने कि आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लैटिनम। तो ये याद रखो, इसके बाद मैं कंक्लूजन लिखा दूंगा। तो नीचे लिखो सिंस प्लैटिनम मैटर एक्ट्स एज इनर्ट मैटर, जो सबसे विच प्रोवाइड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विच प्रोवाइड्स, कोई भी पूछे क्यों लेते हैं, विच प्रोवाइड्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन, विच प्रोवाइड्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। मतलब इट मींस, मैं वर्ड में लिख देता हूं, इट मींस प्लैटिनम एक्ट्स एज कैटलिस्ट। यहां पर ये समझ लो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके कंक्लूजन याद रखो, एक होता है गैस आयन इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड। और से सुनो गैस आयन, सॉरी एक मिनट, कंक्लूजन गैस इनर्ट मेटल इलेक्ट्रोड, एक होता है मेटल मैटर, याद आया मेटल मैटर। जैसे जिंक था तो Zn+2 का ही आयन था,
तो कोई तुम्हें कंफ्यूज करेगा। यहां देखो, यहां गैस था तो यहां बताओ सॉल्यूशन में H प्लस तो है, लेकिन रिएक्शन कैसे होगा? गैस तो गैस के रिएक्शन के लिए जरूरी है प्लेटिनम, Cl2Cl-। यहां पर भी आप प्लेटिनम लिख सकते हैं। हर हर वो हाफ सेल जिसमें गैस होगा वहां इनर्ट मेटल लेना पड़ेगा सरफेस के रिएक्शन के लिए। नॉट ओनली हाइड्रोजन, Cl2 भी है तो प्लेटिनम रहेगा। बोलो बोलो। इसलिए याद रखो हाफ सेल की एक टाइप है गैस इनर्ट मेटल इलेक्ट्रो। बोलिए बोलिए, आया सवाल यहां शमी? आपको कोई डाउट है? नहीं, पूछिए पूछिए सवाल यहां शमी, कहीं डाउट हो आपको प्लीज पूछिए। हाँ एक बेचारी पूछिए। हाँ एक डाउट है। अरे वो ये एक्चुअली कैटलिस्ट नहीं है, वो इस लाइन का मतलब समझ लिए कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट भी सरफेस प्रोवाइड करता है आयशामन, कैटलिस्ट भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, उसका भी काम कैटलिस्ट की तरह है। कैटलिस्ट भी क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। समझ में बात आई? तो वही है, प्लैटिनम एक्ट एज अ इनर्ट मेटल व्हिच प्रोवाइड्स सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शन। इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि एक तरह से ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता, प्लैटिनम भी रिएक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट का भी क्या बिहेवियर होता है? वो भी सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके ओके ओके। और बोलिए और बोलिए, और किसी को डाउट है? अरे यार कोई पूछी नहीं। अदनान इकबाल, अरे वलीद आया, वलीद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे वाले साहब, बहुत अच्छे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप सारे लोग सावधान। अच्छा कंक्लूजन रिपीट कर दूं, कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन मैंने ये कहा, अच्छा कंक्लूजन मैंने ये कह रहा बार, इससे ये साबित हुआ इस वाले से कि जहां पर गैस की बात होगी तो गैस से रिएक्शन कैसे, सुनो और से सुनो, ये टॉपिक मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये बाद में लिखूंगा। टाइप्स ऑफ, जैसे एक रहा पर आपने पढ़ा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, पढ़ा था ना, जिसका मेटल होगा उसी का आयन सोना चाहिए, पढ़ा था, चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन। उसी तरह एक होता है गैस, हाँ उसी तरह एक इलेक्ट्रोड होता है गैस इनर्ट मेटल। अब गैस की रिएक्शन कैसे होगी? तो कोई पूछेगा कि आपने कहा था गैल्वेनिक सेल के लिए जो लेंगे उसी का आयन सोना चाहिए, है देख लो है, मैंने गैस लिया और मैंने यहाँ पर लिखा था ना 1m एसिडिक सॉल्यूशन कंटेनिंग H प्लस, H2 जा रहा है, H प्लस है, जो गैस है उसी का आयन है, लेकिन रिएक्शन कैसे होगा? रिएक्शन के लिए सॉलिड सरफेस चाहिए, रिएक्शन के लिए सॉलिड सरफेस चाहिए, इसीलिए इनर्ट मेटल का लिया गया इस्तेमाल। इनर्ट मेटल पर ही रिएक्शन होगा, इनर्ट मेटल सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए। कहां प्रोवाइड करेगा? कहां गैस की बात होगी? बोलो आया रहबर? पर अच्छे से आया? जहां गैस होगा ना, तो वहां गैस आयन
तो वहां इस इनर्ट मेटल लेंगे, समझा, नॉट ओनली H2, कहीं कहीं Cl2 गैस वहां भी प्लैटिना में इस्तेमाल होगा, क्योंकि गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं होता है ना, इलेक्ट्रोड के लिए सॉलिड चाहिए, सॉलिड बॉडी चाहिए। अब तो गैस तो सॉलिड होता नहीं है, गैस तो आ रहा है, तो रिएक्शन के लिए सॉलिड सरफेस चाहिए। तो हम ऐसा मेटल लेंगे जो इसको डिस्टर्ब ना करे, रिएक्ट ना करे। तो बस इसीलिए प्लैटिनम लेते हैं, वो सरफेस प्रोवाइड करता है, बस की रिएक्शन। ओके चलिए, अब देखिए एकदम नया टॉपिक है, यहाँ से सारे लोग समझिए, बहुत मजा आएगा। यहाँ से टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये सुनो अच्छे से, इसको समझने के लिए मेरा और आपसे इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। आप जैसे समझाया जा रहा है गौर से सुनेंगे अच्छे से। ये पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्यूबा, मैटर डी वाली ट्यूबा, यहाँ समझे कि आपने देखा किसी भी, किसी का SRP नेगेटिव में है, किसी का SRP पॉजिटिव में है। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक सब में ये सीरीज काम देगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा आंसर इसी पर है। और जस्ट अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो मैं कल शुरू करूंगा वो तो और इंटायरली डिफरेंट है, उसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसी पर है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या 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 होता है, तो नीचे लिखो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग या डिक्री, एक सीक्वेंस होना चाहिए, कहीं पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, कहीं पर डिक्रीजिंग लिखते हैं, से कंफ्यूज नहीं होना है। इंक्रीजिंग या ऑब्लिक करके डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई है। ऑर्डर ऑफ देयर SRP, हम SRP को ही रेफरेंस लेते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर के मुताबिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम SRP की तरह बिहेव करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SRP is called ECS. Tuba matter D, SRP का मतलब standard reduction potential. कोई नया word नहीं, जहां gain होगा electron का वहां SRP आएगा। बताइए लिख लिया आप लोगों ने? तो एक sequence बनाया गया, उस sequence को हम electrochemical series कहते हैं। बताओ electrochemical series बनाने का, सारे लोग सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाने का मेन क्या है SRP के बेसिस पर, ये याद रखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बनाने का मेन तरीका क्या है, इलेक्ट्रो SRP के वैल्यू पर बनाई गई, ये सब को दिमाग में रखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बनाने का मेन की लाइन क्या है, किसके बेसिस पर बनाया गया, बोलो लिख कर बताओ जल्दी से। SRP किसकी बेसिस पर बनाया गया, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके बेसिस पर, SRP। हाँ अब तुम, हाँ SRP, वेरी गुड। अब सुनो, लिखना नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको अगर अच्छे से याद हो गया बहुत अच्छी बात है, वहां से सुनो। लिखना नहीं है वरना कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं याद, देखो इसी के नीचे लिखना, जगह की कमी है, वरना फिर कहेगा सर इसके सामने, नहीं नहीं इसी के नीचे, नीचे है, नीचे कह रहा है।
देखो ये H प्लस है, सुनो अच्छे से प्लीज। H प्लस का एस आर पी क्या लेते हैं? जीरो वोल्ट। प्लीज सुनो, लिखना मत। H प्लस के नीचे याद रखने का आसान तरीका छापा, सी यू प्लस टू, एच जी प्लस टू, ए जी प्लस वन, पी टी प्लस टू, ए यू प्लस वन। ये ए में फर्क ये है कि ये बाद में, तो समझो यू बाद में आया। H प्लस के नीचे छापा, इसलिए इन सबको लेस रिएक्टिव मेटल कहते हैं, लेस रिएक्टिव प्लैटिनम क्रोम। आप सुनो अच्छे से प्लीज, इसका एस आर पी पॉजिटिव में है, बस ये याद रख। अभी है कोई जुनैद चौधरी बिहारी, इधर देखो यार, इसका एस आर पी पॉजिटिव, वैल्यू याद नहीं रखना, लेकिन ये मालूम हो कि छापा की जो वैल्यू होती है एस आर पी वो पॉजिटिव में है, और इसके ऊपर जितनी है वो सब नेगेटिव। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो किसी बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा रहेगा, किसी में डिक्रीजिंग, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने जो ये सीरीज लिखा है ना, ये सिर्फ मैटर का लिखा है, इसमें नॉन मैटर भी है, लेकिन मैंने वही लिखा है जो आपको सबसे ज्यादा काम कॉम्पिटिशन या स्कूल एग्जामिनेशन का देगा, वो है मेटल का। अब देखिए यहां तक याद रखने के तीन मेथड है, तीन। देखिए बहुत सारे यहां पर बॉयज स्टूडेंट हैं, सबकी शादी होगी तो लेके लेके बारात, यू नो बारात किसको कहते हैं, गौर से सुने, बारात है यहाँ, गौर से तुम्हें बातचीत नहीं, यहाँ देखें लेके बारात। हमने मान लिया एक, मैं किसी स्टूडेंट का नाम तो नहीं लिख सकता क्योंकि मैं लिखूंगा तो पूरा मान जाएंगे, तो हमने मान लिया काना, काना लेके बारात काना। ए बातचीत नहीं सुनिए इधर प्लीज प्लीज, देखो इधर लेके बारात काना, बिहार यूपी के पहले जो बारात जाता था तो बहुत मजे से बैंड पार्टी नाच गान, वही है लेके बारात काना, मजे से आया बारात, कैसे आया, मजे से आया। तो एक पार्ट ये हुआ लेके बारात काना, मजे से आया, और से सुने अच्छे से। पहले जो बारात होता था ना, बहुत पहले 20 साल 25 साल पहले, तो दो दिन तीन दिन रुकता था बारात, अब तो जल्दी होता है, धरपरी में शादी होती है। ए चुप तैयारी कहेगा, इधर रुको रुको है गुंडा, सुनो अच्छे से। तो बारात जब रुकता था तो पहले पेप्सोडेंट नहीं आता था, आपको याद होगा लाल दत्त मंजन, सबने देखा है लाल दत्त मंजन, अरे बोलो भाई। हाँ तो देखिए देखिए देखिए, तो पहला वर्ड ये है कि किसी के घर किसी स्टूडेंट का काना का बारात आया, मजे से आया, तो दरवाजे पर बारात रुकी, ए रुको रुको यार, तो बारात रुकी तो क्या हुआ, तो देखो मंजन मंजन कर, मंजन मुंह में मंजन कर फेंक दे, वो तो मंजन मुंह में खाएगा नहीं, पर के खाएगा नहीं, मंजन कर फेंक दे, देखो देखो मंजन कर फेंक दे, तो मंजन मिला और बारात को सिखाया गया, बारात थोड़ा बिहारी था उसको खाने लगा, उसको सिखाया गया कि मंजन कर फेंकना है, मंजन कर फेंक दे। बोलो आया यहां तक, ए अल्लाह बोलो यार आया यहां तक। अब सुनो, आप बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, इधर सुनो, ए सुनो सुनो अच्छे से। अब देखो इधर बारात आ गया, ए सुन, ए आप कोई मैसेज नहीं करोगे प्लीज, कोई मैसेज नहीं, वरना रिमूव कर दूंगा मैं, सुन इधर अच्छे से सुन,
बारात आ गया, मुंह धो लिया, अब नाश्ता खाना खा लिया होगा, ए रुकना गुंडा रुको यार, अरे मैसेज कहा कर नहीं करने के लिए। जब देखो बारात आ गया, मंजन हो गया, तो जब बारात गया तो दुल्हन की रुखसती तो होगी ना, बगैर दुल्हन के कैसे आ सकता है। तो अब सुनो उसके बाद, बहुत अच्छा वर्ड है, अब दुल्हन की रुखसती होगी। तो सुनो अच्छे से, अब क्या है कि बारात जब गया तो दुल्हन को लेकर आएगा। अब तुम जानते हो कि शादी के दिन दुल्हन को सवारा जाता है, ब्यूटी पार्लर में ले जाया जाता है। तो देखो दुल्हन कैसी लग रही है उसको ध्यान दो। बारात ने गया, ऐ बातचीत ना यहां सुनो अच्छे से, हाँ यहां देखें दुल्हन कैसी है, यहां देखिए सारे लोग सुनिए। कोई निगाहें, देखो कोई निगाहें, देखो देखो कोई निगाहें, कोई निगाहें सुंदरी, दुल्हन की निगाहें, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो ये पूरा वर्ड हो गया, ये दुल्हन की रुखसती हुई, कोई निगाहें, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। तो आपको कैसे याद रखना, सुने लेके बारात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी। उसके नीचे छापा, इन सब का एसआरपी नेगेटिव में है, इन सब का एसआरपी नेगेटिव में है, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है, एसआरपी नेगेटिव में। जल्दी लिखो भाई, बोलो बोलो समझ में आया। वो लेके परात काना मजे से आया, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी, तुम्हारी शादी रे प्यारी, पहले कुछ पढ़ ले, तुमसे कौन शादी करेगा, पैसा वैसा कमाता नहीं है प्यारी, चोरी उरी करोगे। पहले लिखो, जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो जल्दी। शादी करा, मेरी शादी कब होगी, अल्लाह अकबर। बोलिए, लिख लिया सारे लोगों ने, एक दफा रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर लोगे। अरे धवल तुम क्या बोले, आपको तो ऑर्किड में फैकल्टी होना चाहिए, तो ऑर्किड में नहीं है तो किसमें, रे गुंडा कहेगा धवल। चलो यहां देखो, बाल विवाह शुरू होना चाहिए, मिटा दू इसको, बोलो बातचीत ने लिख लिया सारे लोग। अब असल है इसकी एप्लीकेशन, और से सुनो अच्छे से,
सारे लोग सुनो, टॉपिक डालो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और सारे लोग आप शांति से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो, अगर बीच में कोई मैसेज की हो तो मैं भगा दूंगा, अच्छे से समझो आप। और मैं पहले एप्लीकेशन पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तब फिर मैं पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और से सुनो, टू क्रिएटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, गौर से सुनो, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे। बहुत दफा नीट जी मेंस में आ चुका है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर का आइडिया लगता है। अब सुनो, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, गौर से सुनो अच्छे से। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, गौर से सुनो अच्छे से क्या होता है। तो मैं बेसिक से रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ चुके हो, गौर से सुनो। द सब्सटेंस which has tendency to lose electron, reducing power का मतलब loss, मतलब gets oxidized, जो खुद oxidized हो, दूसरी में नहीं। It reduces the others, ये दूसरे को reduce करता है। Please सुनो, जब तक ये अच्छे से नहीं समझोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करवाऊंगा मैं इस पर। पहले बताओ रिड्यूसिंग पावर की मीनिंग, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस, यहां है रिड्यूसिंग पावर, यहां है रिड्यूसिंग पावर। तो द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो गेट्स ऑक्सीडाइज होगा पर दूसरे को रिड्यूस करेगा। बोलो ये वाला डिफिनेशन आया, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। ये डिफिनेशन सबको समझ में आया? जब तक हाँ, ये और घर पर आज ही इसको पढ़ना, वरना समझ में नहीं आएगा। एकदम अच्छे से समझो, लिख लिए? अरे बोलो यार, अब सुनो अच्छे से। हाँ, अब सुनो, तो रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, यहां गौर से सुने। यहां देखे सारे लोग, रिड्यूसिंग पावर, सुनो अच्छे से दोबारा, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। और से सुनो, क्यों इनवर्सली है? देखो इधर, एसआरपी का फुल फॉर्म कंफ्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन करना, तो लूज करने की टेंडेंसी कम। अब ये टीचर जब पढ़ाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने मीनिंग लिखाया है। रिड्यूसिंग पावर का मतलब लॉस करना, और एसआरपी का मतलब गेन करना। तुमको तीन एलिमेंट दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ एसआरपी। तो रिड्यूसिंग पावर, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो लॉस करने की टेंडेंसी कम होगी, तो वो रिड्यूसिंग पावर कम होगी। तो तुम लोग बताओ, इस पूरी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम एसआरपी किसका है? बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
सबसे कम एसआरपी किसका है? हाँ लिथियम, वाह। तो लिथियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो बोलो, आ रहा समझ में? अभी शानदार क्वेश्चन इस पर आएगा। अरे जुनैद चौधरी तुम बहुत बक बक कर रहे हो, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, रेखा था कहीं का, क्लोरीन कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस करता, लिथियम की बात यहाँ पर हो रही है। क्लोरीन, सुनो चौधरी प्लीज, तुम बहुत आज बक बक कर रहे हो यार, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो तुम। तो बोला एफ का सबसे ऊपर, मैं पूछ रहा हूं सब प्लीज, तुम बहुत बक बक कर रहे हो यार, यहाँ फ्लोरीन की बातें नहीं हो रही, यहाँ रिड्यूसिंग पावर की बात हो रही है, तुम फ्लोरीन की बात ला रहा है, गधा है क्या, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग होता है, वो नॉन मेटल है, और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो यार। मैंने पूछा सबसे कम एसआरपी किसका इस सीरीज में, पढ़ने दो सबको यार, अपने डिस्टर्ब हो तो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर दो, जब बहुत जानते हो तो काहे आ रहे हो, बदन खोल के तो नदी में नहाते रहते हो, जाओ बदन खोल के नहाओ नदी में। यहां देखें बदन खोल के दे ये कर रहा है, नहा रहा है ना बिहारी। यहां देखें कहां की बात को मैं कहां से रिलेट कर दूंगा, मुझको छेड़ मत, मैं पूरे बच्चों के टीपी पर पीएचडी करता हूं। यहां देखें सारे लोग, आप देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अरे बात नहीं करें, यहां देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर या मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब लिखना शुरू करो, द सब्सटेंस which has tendency to gain electron, मतलब gets reduced, दूसरी meaning it oxidizes others। रहबर आलम आ रहा समझ में? रहबर बोलिए, लिख लिया सारे लोग? अभी आप देखो इस पर क्वेश्चन सब कराएंगे, पहले एक एक जल्दी से लिख लेते हैं एप्लीकेशन, फिर असल मजा क्वेश्चंस में होगा। चलो दूसरा एप्लीकेशन लिखो, प्रिडिक्टिंग सेल ईएमएफ, यानी ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डाटा से सेल ईएमएफ का पता चलता है, समझा कि नहीं, जो आपको बताया गया। प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनियस फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ
सेल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, वो सब अभी क्वेश्चंस कराएंगे। पहले एप्लीकेशन लिख लो। Whether a metal displays another metal from its salt solution, आप जानते ही हैं, याद रखो SRP ज्यादा होगा तो metal is less reactive। बताओ ये लाइन सही लिखा या गलत लिखा, जल्दी बोलो। एसआरपी ज्यादा है, टूबा मेटल जी वाली टूबा बताएंगे, एसआरपी ज्यादा है तो मेटल इज लेस रिएक्टिव, सही या गलत? बताइए एसआरपी ज्यादा है तो गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और गेन करने की टेंडेंसी जब ज्यादा होगी तो लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, और जब लूज करने की टेंडेंसी कम होगी तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। इसलिए इन सारे चीजों को अच्छे से समझिए, मेटल वही रिएक्टिव होगा जिसका एसआरपी कम हो। इसलिए तुम देखो एच प्लस के नीचे छापा जो है वो सब लेस रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि उसका एसआरपी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव में है। बोलो ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं आया? अरे तूबा समझ में आया थी, मेटल डी वाली तूबा थी, डबल ओ बी ए। जो मोर रिएक्टिव होता है, हाँ अरे सवाल है शमीम, आपको आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट लिखो प्रिडिक्टिंग बेटर मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, या आप ऐसे भी लिख सकते हाइड्रोजन, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोड्यूस स्टूडेंट फ्रॉम इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। आप सुनो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह इधर सुनो, इधर से बहुत सुनो, एक मिनट सुनो। मेटल जब भी कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट होता है। प्लीज सुनो, अगर यहां से H प्लस आ रहा है, मेटल अगर रिएक्टिव होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा? H2 में। तो याद रखो अच्छे से, मैं लिख देता हूं रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ H2 गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, क्योंकि एसआरपी ज्यादा तो मेटल लेस रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन की रेट सही से प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए याद रखो कॉपर HCl के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, आयरन देख तो कहीं पर लिखा रहता हॉट HCl स्टीम कॉन्सेंट्रेटेड, इस तरह का वर्ड। तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा है। बताओ ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? या एसिडिक है ना, नहीं ये सॉल्ट एसिडिक कैसे होगा, ये तो नॉर्मल होगा। वो अभी सॉल्ट की बात नहीं हो रही है, सॉल्ट एसिडिक वो 11th में पढ़ा चुका हूँ यार, अभी जो बात कर रहा हूं उसको समझो यार, 10 तरह की बात क्यों लाते हो, सॉल्ट 3 तरह बहुत तरह का होता है।
ये चीज समझा रहा हो तो तुम सॉल्ट पर क्यों आ रहे हो? हाइड्रोजन गैस समझाया जा रहा है, इस बात को समझो, सॉल्ट पर रहे हो क्या तुम? जो बात समझाई गई उसमें किसी को डाउट है? अब सॉल्ट है, सॉल्ट ये है वो है, अरे जो बात समझाई जा रही उसको समझो यार। बोलिए बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन देके मैं खत्म करूंगा, एक क्वेश्चन देके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सुनो सारे लोग, कल 8:45 में आओगे वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख लेना, कल 8 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आधा घंटा के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू होगा। प्लीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है, जिनका छूट भी क्या वो कल से एकदम लगातार है। ये मैं पहले दिन भी, अभी छुट्टी नहीं हुई है, क्वेश्चन होगा। आज जो अल्लाह हाफिज कर रहे हैं भाग जाए, मैं नाम चेक कर लिया हूँ, मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, वरना सॉरी बोले, मैं अभी रिमूव कर रहा हूं, सॉरी बोले जल्दी से। छुट्टी चाहिए, अल्लाह हाफिज, सब्जी खरीदने जाएंगे, सब्जी एकदम आसान क्वेश्चन है, करें, ये चैप्टर अब बहुत जल्दी खत्म होगा, फिर केमिकल काइनेटिक्स। लिखो स्टैंडर्ड, या ऐसे लिखो शॉर्ट फॉर्म में, SRP ऑफ 3 एलिमेंट, SRP ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट ना लिखकर मेटल लिखो, 3 मेटल A, B and C, R। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? SRP दिया हुआ है, SRP। प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स आर, पहला ऑप्शन BCA, बी ऑप्शन ABC, पहले अपने से देखें सारे लोग कॉन्सेप्ट को देखें, CBA, ACB, चलिए सारे लोग आंसर दें। रिड्यूसिंग पावर पूछा है, रिड्यूसिंग पावर, तो देखो सारे लोग, रिड्यूसिंग पावर अभी आपने पढ़ा, अच्छा तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP, अच्छा एक चीज लिखाना भूल गया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तुम लोग पहले इसको चेक करो, ऑक्सीडाइजिंग पावर में लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, प्लीज प्लीज, जो नोट्स तुम लोग लिखे हो ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP लिख लेना प्लीज, तो लिखा दिया था आपको, ऑक्सीडाइजिंग पावर SRP के डायरेक्टली पूछना। अब बताओ SRP सबसे कम किसका है, तो बी का है, फिर सी, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी देन सी देन ए, जिसका SRP कम वो पावरफुल होगा, रिड्यूसिंग पावर, जल्दी बोलिए। सबसे कम किसका? -3। अरे बोलो बोलो, आ रहा है ना, जिसका कम होगा
चलिए ओके बाय 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 बाय, थैंक यू नाफिस, कल 8:45 में मुलाकात होगी, कल 8:45 में मुलाकात होगी।